हेलो फ्रेंड्स, पलवीज फास्ट फूड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहा और आलू से बहुत ही मस्त नाश्ता, जो कि आपने पहले शायद नहीं खाया होगा। शायद क्या, पक्का ही आपने नहीं खाया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अभी हम सबसे पहले पोहा लेंगे और पोहा को अच्छे से धो लेंगे। फ्रेंड्स, पोहा को अच्छे से धोना है, कम से कम 3 बार या 2 बार। इसका गंदा पानी हम साइड में निकाल देंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने पोहा को अच्छे से धो लिया है और इसका जो गंदा पानी है वो मैंने निकाल दिया है। अभी एक बार पोहा धो लिया है और दूसरी बार पोहा को धोएंगे। पोहा धोने से फ्रेंड्स सॉफ्ट हो जाएंगे और जब जो हम डो बनाने वाले हैं उसको बनाने में भी हमारे को आसानी हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, ये दूसरी बार धो लिया है। इसका पानी हम अच्छे से निकाल देंगे। यदि पानी रह जाएगा डो बनाएंगे तो हमारे दिक्कत आएगी, इसलिए इसका अच्छे से पानी निकाल देना। अभी हम पोहा को इस हाथ से ऐसे ऐसे करके बिचूर लेंगे। ये देखो, मैंने पोहा को पूरा बिचूर के रेडी कर लिया है। अभी हम इसको परात में निकाल लेंगे अच्छे से, जिससे कि अच्छे से हम इसको गोंद सके। अभी हम उबले हुए मैं यहाँ उबले हुए आलू का यूज़ कर रही हूँ। मैं सीधे ही आलू का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप मैश कर सकते हो। ये मैंने 7 से 8 उबले हुए आलू लिए हैं। आप भी अपनी हिसाब से जितना आपको बनाना है उस हिसाब से देख लेना। फ्रेंड्स देखो, मैंने पूरा बिचूर के डो तैयार कर लिया। अब हम इसमें मिलाएंगे मसाला। और ये देखो, 2 टीस्पून तेल मिलाया है मैंने। ये खाद्य तेल है, खाने वाला तेल। 2 टीस्पून मिर्ची, 2 टीस्पून नमक, जीरा। ये फ्रेंड्स चाट मसाला है, आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह गरम मसाला यूज कर सकते हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, ये कसूरी मेथी है। इस मेथी को हम ऐसे हाथ में लेके इस तरह से बिचूर के इसके अंदर डाल देंगे। इससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा। अब ये मैंने प्याज और टमाटर पहले से कट कर रखे हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्रेंड्स छोटे छोटे प्याज, छोटे छोटे टमाटर काटना आप, जो कि इसके अंदर अच्छे से मैश हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा मैंने डो तैयार कर लिया है। ये अब हम इस डो के अंदर डालेंगे मैदा। 1 कटोरी मैदा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से फिर से गूंद लेंगे। ये देखो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा डो बन के रेडी है। अब इसके ऊपर मैं ये ऑयल डाल रही हूँ और इसको फिर से रेडी कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये रेडी है। अब एक सेवियों के पैकेट लिए मैंने और इसमें से थोड़ी सेवियाँ निकाल के इस तरह हम छोटे छोटे कर लेंगे इसको। ये 2 चम्मच मैदा और ये थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। अब हम इस अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे और ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके इसको शेप, ट्रायंगल शेप दे देंगे। फ्रेंड्स आपकी जो मर्जी है आप वो शेप दे सकते हैं। मैंने इधर ट्रायंगल शेप दिया है, आप गोल बना सकते हो या कोई भी शेप दे सकते हो। ये देखो, इसको अब हम इस पानी में इस तरह डुबो के डिप करके ये फ्रेंड्स, मैंने पहले ही एक पैन में ऑयल रख दिया था, वो कि अच्छे से बॉइल हो गया है। अब ये जो हमने बैंगल तैयार किए हैं ये इसको तो डाल देंगे। और चम्मच से इसको अच्छे से फ्राई होने लेंगे। फ्रेंड्स
आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। देखो फ्रेंड, ये हमारी जो ट्राइंगल है कितनी सुंदर ब्राउन ब्राउन सी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो ये जितनी दिख रही है टेस्टी, उससे भी ज़्यादा टेस्टी तो ये खाने में है। मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये बहुत ही कुरकुरी बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है फ्रेंड्स हमारी ये पोटैटो ट्रायंगल। आप भी ज़रूर बनाना और सबको खिला।